जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, अभी जेल पर जो खतरा हुआ था अब वो हम सारा मामला दिखाएंगे। सोनू बेलवा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, उसको रात को भी भर्ती कराया था, कई दिनों से इलाज उसका चल रहा था दिखाने के। जेला साहब, क्या मामला था? मामला ये था, ये बंदी था सोनू जी, खुद का नाम सोनू बैरवा था, पिताजी का नाम श्री कृष्ण बैरवा, जाति 22 साल और FIR नंबर 40/24 अंडर सेक्शन 376 पीस बामनवास से बंद हुआ था जी। ये बंद की तारीख है 12/4/24 जी। ये रहने वाला है रूंडी का पूरा कुड़गांव थाना कुड़गांव। इसकी सर ये बात थी कि ये 4 तारीख को डॉक्टर साहब को इसने बताया था, मेरे पीठ में दर्द है इसके जी, मेरे को इधर उधर दाएं बाएं कलोट निकली जाती है, तो इसको हमने 5/6/24 को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसको रेफर किया पुलिस गार्ड के द्वारा, और इसका एक्सरे हुआ, इसको दवा गोली दी गई। उसके बाद में इसने बताया कि साहब मेरे को पूर्ण आराम नहीं है, और इसको पुनः 6/6/24 को नेक्स्ट दूसरे दिन ही फिर हमने हॉस्पिटल भेजा, इसको इसका इलाज कराया, दवाई दिलाई गई। इसके बाद में इसने 7 तारीख को उनको बोला कि साहब मेरे को पूर्ण आराम नहीं मिला तो मुझे एक बार और दिखाओ, तो इसको 8/6 को पुणे हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल गंगापुर सिटी में इसको दिखाया गया, इसका इलाज हुआ है प्रॉपर। इसके बाद में आज इसको SMS जयपुर जाना था, डॉक्टर साहब के परामर्श के अनुसार इसकी जांच करवानी थी, इसको दिखाना था, और गार्ड आनी थी, गार्ड फार्म काट के पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी को भेज दिया गया था, और उन्होंने गार्ड के लिए कहा कि हम नियत समय पर गार्ड भेज देंगे और इसका इलाज करवाने के लिए जयपुर ले जाएंगे। हम सुबह जेल खोलने आए प्रातः उषा काल पर, मेरा स्टाफ भी साथ में था, मैं भी साथ में था, तो हमने एक नंबर बैरी खोली, 2 नंबर बैरी खोली, ड्यूटी परेरी मौजूद था उस दौरान, 3 नंबर में ये बंद था, वार्ड नंबर 1 ही बैरिक नंबर 3 में ये बंद था। तो बंद के दौरान बाकी बंदी बाहर आए, ये लेटा हुआ था वहाँ पर, फिर इसको देखा तो कलोट ले रहा था, उसमें थोड़ी तकलीफ बता रहा था, सब मेरी तकलीफ ज़्यादा है, मुका तेरे को SMS भेजेंगे और आप इलाज करवा लेंगे। या सुबह का घटनाक्रम? सुबह का घटनाक्रम है। इसके बाद में हमने डॉक्टर साहब को कंपाउंड सर को कहा कि आप आओ एक बार देखो इसको, अपने यहीं दिखा लें या जयपुर भेजें, जैसे भी। कंपाउंड साहब और डॉक्टर साहब तुरंत आए, उसने कहा इसका प्राथमिक उपचार अपन पहले यहाँ करवा लें, उसके बाद में जयपुर भेज देंगे। तो हम जेल गार्ड से तुरंत हमने ये मुनासिब समझा, अगर अपने जेल गार्ड से ले चले इसको ऑटो में बिठा के, और जेल गार्ड के द्वारा इसको हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ जाके 15-20 मिनट बाद मेरे पास कंपाउंड साहब का फोन आया कि साहब इसको तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, ये घटनाक्रम हुआ। चलिए साहब, आपने परिजनों की बात भी कराई थी रात्रि को? SCD से खुद ने परिजन से बात करी थी, अब साहब मेरे को जयपुर दिखाना है कल, तो आप आ जाना, आप भी साथ चलना, परिजनों से कहा था। फिर सुबह मैंने इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो परिजनों को फ़ोन किया, तो परिजन ने इसका फ़ोन उठाया, इसका भाई है सूरज, उसको फ़ोन किया है, इसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके कुछ देर बाद में, मतलब आधे घंटे पौन घंटे के बाद में, इसका भाई और पिताजी मेरे पास आए कि साहब आप क्या कह रहे थे, मुझे यार इसको वहाँ ऐसे ऐसे रेफर किया था, जो सूचना देनी थी आप भी साथ में चल जाता, कि साहब मैं मोटरसाइकिल चल रहा था, यहाँ आ रहा था, मेरे को शाम को STD पे इसी ने बता दिया था कि मेरे को जयपुर रेफर कर दिया गया और आप आ जाना। ये खुद मृतक के परिजनों का कहना है? परिजनों का कहना है। ठीक है, आज सुबह अभी जब उसके बाद में जब सारा चीज़ हो गई पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ शव को रखा गया, तो उसके बाद हंगामा किस चीज़ को लेकर के हुआ था? क्या परिजनों ने हंगामा किया था जेल पर? परिजनों ने आके यहाँ पर जेल पर पत्थरबाजी की है और जेल सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा किया है, और हमने SP साहब से बात करी संबंध में, अगर साहब जेल के सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा कर रहे हैं परिजन, इनको तुरंत जाब्ता लगा के इनको हटाया जाए, उसके बाद भी गाली गलौज कर रहे हैं, पत्थरबाजी की है। अच्छा, आज एक बार मुझे प्राइमरी जो जानकारी है मृतक के बारे में वो दे दें, क्या नाम था और कहाँ का रहने वाला था, किस मामले में यहाँ बंद था? इसका नाम सोनू बैरवा, पिताजी का नाम श्री कृष्ण बैरवा, उम्र 22 वर्ष, जाति बैरवा, और ये FIR नंबर 40/24 अंडर सेक्शन 376 PS बामनवास से बंद हुआ था। इसका गांव का नाम है रूंडी का पूरा PS कुड़गांव जिला करौली, और ये 22/4/24 को हमारे यहाँ जेल दाखिल हुआ था, 12/4/24 को। जिला साहब, अभी जो बदलाव किया था, कोई आपका स्टाफ कोई घायल हुआ? हमारा स्टाफ यहाँ खड़ा था, स्टाफ ने बीच बचाव करके ऑफिस मांगा और एक दूर वाटर गार्ड पे भग गया पथराव को देखते हुए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, इसका इलाज चल रहा था बराबर? हाँ, इलाज चल रहा था सर इसका, इसके 3 बार अपन ने गार्ड काटी थी यहाँ गंगापुर सिटी के लिए, जो ऑर्थो में है हमारे डॉक्टर साहब उनके लिए प्रॉपर इनका इलाज चल रहा था, फिर इनके लिए न्यूरो में दिखाया, फिर न्यूरो की इसकी दवाई चल रही थी, फिर इन्होंने 8 तारीख को फिर उन्होंने कहा कि साहब ठीक है अभी मेरी तबीयत, फिर 9 को फिर इन्होंने कहा, 9 को फिर हमने इनकी इमरजेंसी गार्ड काट के इनको जयपुर SMS के लिए
रेफर कर दिया था सर, सुबह जो है गार्ड आनी थी 5 बजे, तो इस तरीके से सुबह फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि सर उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप तुरंत जेल पर आ जाएँ। तुरंत जेल पर आया, फिर उठा के हम इनके लिए जो हमारा जेल का स्टाफ, मैं और डॉक्टर साहब, हम तीनों इसके लिए वहाँ इमरजेंसी में लेके गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने 15-15 मिनट में इसके लिए मत घोषित कर दिया सर। फिलहाल हवाले चौक पर जो जेल के बाहर में काफ़ी उपलब्ध मचाया, परिजनों ने जाम भी लगा दिया था, फिलहाल पुलिस ने जाम खुलवा दिया है, मोर्चरी में सब रखा हुआ है और पोस्टमार्टम उसमें करवाया जाएगा। और इस तरह से दर्शकों, इस तरह से जेल के ऊपर और बंदियों की जीवन को खतरे में डालना कहाँ तक जाएगा, जब दर्शकों कॉमेंट करें, शेयर करें, और जो परिजनों ने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल सरासर गलत है कि उन्होंने पैसे लेके ये कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल सरासर गलत है। पुलिस कभी किसी को कोई किसी को नहीं मारता, क्योंकि यहाँ पे तो रिमांड भी नहीं होता और स्वाभाविक बीमारी से उसकी मौत हुई है, जिला साहब का ये कहना है। और फिलहाल मोर्चरी में सब रखा हुआ है।